मतलब हमरा पति विकलांग है, 8 साल से हम लोग तकलीफ में हो रहे हैं। 4 गो बाल बच्चा लेके छोटा छोटा, जब मूर्ति का काम होता है तो मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं भूखे प्यासे, जैसे तैसे करके बाल बच्चा पर। धनबाद जिला बागमारा प्रखंड छत्रुटड़ पंचायत के अंतर्गत मुरलीडी ग्राम के विकलांग मूर्तिकार जगदीश पासवान पिछले 4 वर्षों से सरकारी सहायता के लिए दर बदर भटक रहे हैं, परंतु आज तक कोई भी हाथ मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। हाथ पैर से हम विकलांग हैं, कुछ कर नहीं सकते। आपका विकलांग सर्टिफिकेट बना है? हाँ बना है। कितने दिन पहले बना है? 4 साल पहले। तो अभी तक आपका विकलांग पेंशन लागू नहीं हुआ है? ना, अभी तक कहाँ लागू हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ? हम जा नहीं सकते हैं ब्लॉक, और थोड़ा समस्या है, जाते हैं ब्लॉक तो बोलता है कल आओ परसों आओ, ऐसे ऐसे करके टाल देता है। तो इसके लिए मुखिया से संपर्क नहीं किया आप? मुखिया से तो बोलते हैं तो बोलता है ब्लॉक जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। तो आपका सरकार द्वारा कुछ भी आपका नहीं बना है? घर द्वार कुछ नहीं है, तो कहाँ से जगह जमीन कुछ भी नहीं है, जहाँ रात वहाँ दिन, जहाँ दिन वहाँ रात, कहाँ से हम लोग का होगा? सरकार तो कुछ मदद नहीं कर रहा है। पढ़ने काम को तो बहुत मन है, मगर हम पापा के साथ काम करते हैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं। हमारे पैसा और समस्या, जो काम नहीं करने सक रहे तो पैसा के कारण नहीं पढ़ने सक रहे, ना ट्यूशन पढ़ते हैं, ना अच्छा से खाना मिलती है, और ना किताब कॉपी, ना ड्रेस, ना बढ़िया स्कूल, बस ये सब सब मिल जाए तो बहुत अच्छी है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बागमारा श्री गिरजानंद किस्कू जी के संपर्क नंबर 9471191628 पर कॉल कर दबाव बनाए, ताकि जल्द से जल्द जगदीश पासवान जी को विकलांग पेंशन एवं आर्थिक लाभ मिल सके। मैं हलीमा एजाज, मुरलीडीह धनबाद झारखंड से, इंडियन हट के लिए।